Abhinandan, Namaskar. Today is a very momentous and a very important event for all of us in the history of TSDC India Limited. As our CMD few days before rightly said, that it is the milestone growth trajectory in the history of TSDC India Limited. Yesterday, आप कल ऐसा imagine कर सकते हैं कि कल तक हम जो TSDC India Limited को बोल रहे थे कि हमारे पास में 5,500 megawatt का portfolio है, 5,500 megawatt का 5539. आज हम पूरे proud के साथ में एक दिन के बाद ही बोल सकते हैं कि हमारे पास 15,500 megawatt का हमारे पास portfolio है. So we should be very proud. History has been made in the life of TSDC since 1988. And इस सब चीज़ का मैं श्रेय जो देता हूँ, मैं सबसे पहले सुबोध अग्रवाल साहब को, ECS साहब को देता हूँ कि उनके डायनेमिज्म से, उनके हेल्प से, उनके सपोर्ट से, और जो उनकी टीम है, एंटायर टीम इन द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंड RRC लिमिटेड ऑल्सो, उन्होंने जितना हमको सपोर्ट किया, उनके बगैर हम इस जगह पर नहीं पहुंच सकते थे. उसमें मैं यहाँ पर जो उपस्थित नहीं है, बहुत सारे जो है कि अभी RRC में ही है, तो उसमें जो उधर से प्रमोट होकर बाहर बाकी जगह भी चले गए, निर्वाण साहब हैं, बाकी महलदा साहब हैं, उसमें अनिल गुप्ता जी थे, मैं उनको सबको भी नमन और धन्यवाद करता हूँ इस मंच से. जैसे कि CMD साहब ने बता दिया कि भाई कि मैं इसको, क्योंकि आई हैव बीन कनेक्टेड विद वेरी क्लोजली विद दिस एक्सरसाइज फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स रादर देन बिफोर कोविड ऑल्सो, दैट मगर ये 10,000 megawatt का मैं आपको 2-4 मिनट ले लूँगा विद द परमिशन ऑफ द चेयर एंड अपने CMD साहब से टू टेल माई पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी मन की बात बोलना चाह रहा हूँ. तो जो एक जर्नी हो गई 10,000 megawatt की हमारी चालू, जैसे कि हमारे CMD साहब विष्णु साहब ने 6 दिसंबर 2021 को वहाँ पर गए थे, जयपुर गए थे, और ACS साहब से जब CMD साहब ने जयपुर में वन ऑन वन मीटिंग रख ली, तो हम गए थे 1500 megawatt, क्योंकि हमारी बात चल रही थी पिछले 1-1.5 साल से 1500 megawatt के लिए. मगर हम दंग रह गए, हम रियली इतना हर्ष से, हम मान लीजिए कि हम भाई वी कुडंट इवन इमेजिन कि उन्होंने वहाँ पर हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को देखकर और CMD साहब को सुनकर 10,000 megawatt उसी टाइम उन्होंने ऑफर कर दिया. यही नहीं, उन्होंने वहाँ पर नोडल ऑफिसर उसी टाइम तुरंत उन्होंने वहाँ पर इसको क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने नियुक्त कर दिया. उसके बाद में 1.5-2 महीने में हम बहुत ही पूरी ऊर्जा और पूरी वॉर फुटिंग पर चले, और हमने फिर जो इसमें चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के समक्ष भाई प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनीज ने, जिसमें कि सारी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो कि लीडिंग और बाकी सेकी भी है, तो वहाँ पर उपस्थित थे. उनके 8 फरवरी 2022 को, जस्ट 1.5-2 महीने के बाद में, वहाँ पर वो इन्वेस्ट लेटर हमने साइन कर लिया, जिसमें कि हमने कमिट कर लिया कि हम 40,000 करोड़ का इस पार्क में निवेश होगा, इन्वेस्टमेंट होगा. इसमें 10,000 मेगावाट की बिजली ऊर्जा मिल जाएगी, सोलर एनर्जी एंड बाकी जो भी कॉम्बो मिल जाएगा. इसमें 10,000 डेवलपमेंट मिलेगा, उसमें वहाँ पर सर्वांगीण विकास होगा, और उसमें वहाँ पर जो है कि भाई कि उधर में सबसे जो आपको मालूम होगा कि 2-2.5 रुपये तक अभी बिजली मिल रही है कि उसकी जो टैरिफ है, उधर तक हम उसमें पूरे ला सकते हैं. तो मेरा उसके बाद में आप देख रहे लीजिए कि 8 फरवरी 2022 के बाद में, जब ये माननीय मुख्यमंत्री के प्रेजेंस में ये हमने इन्वेस्ट लेटर साइन कर लिया, आज 15 अप्रैल 2022, जस्ट 2 महीने के बाद में हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं. MOU साइन कर रहे हैं, जितनी भी वहां पर प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनीज हैं उसमें हम सब नंबर 1 है, और आज के दिन में हम ये साइन कर रहे हैं. अगेन मैं कहूंगा, मैं हर एक के मैं बाद में कहूंगा कि ये श्रेय ये जो है कि भाई बिकॉज इनके डायनेमिक लीडरशिप, जो कि एक तरफ से गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से ACS साहब और उनकी एंटायर टीम है डॉक्टर सुबोध अग्रवाल साहब की, और जो हमारे डायनेमिक रबर्ड लीडर हैं
सीएमडी साहब है विष्णुजी साहब एंड ऑल्सो उनके डायरेक्टर फाइनेंस बहरा साहब है और ऑफकोर्स द बोर्ड हैज सपोर्टेड अस। अब राजस्थानी क्यों, वाई राजस्थान, क्योंकि हम तो बहुत में बाकी में भी काम कर रहे हैं मगर राजस्थान आपको मालूम होना चाहिए कि राजस्थान को हम राइटली जैसे एसीएस साहब ने कहा राजस्थान के बारे में, इसको हम कह सकते हैं कि ये मक्का है, मक्का है सोलर एनर्जी का इंडिया में। इसमें 325 दिन के लिए सनी डेज है जो कि सबसे ज़्यादा इंडिया में है। इसमें 5.72 किलोवाट आवर्स पर मीटर स्क्वायर पर डे उसमें वहाँ पर सोलर एनर्जी एकत्रित हो सकती है, मैक्सिमम मिलती है। सोलर इरेडिएशन राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, पूरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी सोलर पार्क में गया था वहाँ पर बाडला में, वो राजस्थान में वर्ल्ड की सबसे बड़ी सोलर पार्क वहाँ पर है और वहाँ पर वेस्ट लैंड है। अगर आप बोलेंगे भाई 5.72 जो मैंने किलोवाट आवर्स पर मीटर स्क्वायर पर डे का बता दिया, तो आप मान लीजिए कि अगर आप हमारे पास में 1 मीटर बाई 1 मीटर की प्लेट हो तो उसको अगर हम छत पर लगा देंगे 5 यूनिट से ज्यादा बिजली दे देगी। ये उसका 5.72 का मतलब होता है। तो हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं कि भाई कि इस सब चीज के लिए कि भाई कि हमको राजस्थान में भी जो कि जिसके बगैर हम अधूरे थे, TSDC जैसे कि CMD साहब ने बोला कि हम रिन्यूएबल सेक्टर में ऑलरेडी हैं, जो 500 गीगावाट का हमारा COP26 में यूनाइटेड नेशंस के क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने हम सबके लिए लक्ष्य दिया है, जिसमें कि करीबन 350 गीगावाट जो है कि वो सोलर एंड विंड एनर्जी से ही आएगी, उसमें जो बाकी है उसमें हाइड्रो भी है, हाइड्रो इज ऑल्सो दियर। तो हम अपने को बोल सकते हैं कि भाई कि हम फ्यूचर रेडी है, क्योंकि हम एक रिन्यूएबल एनर्जी, हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी का हाइड्रो भी है, पंप स्टोरेज भी है, और हमारे पास में अब जो हम राजस्थान में घुसे उससे हम जो सबसे बड़ा जो सोलर एनर्जी का हमारे पास हमारे लक्ष्य है उसको भी वहाँ से हमको जो अभी ये विंडो मिल गई है उसके लिए हम फिर धन्यवाद करते हैं ACS साहब के इसके लिए भी और उनकी टीम को। जैसे कि ACS साहब ने कहा और हमारे CMD साहब ने भी बोला कि भाई कि जो अभी सबसे बड़ा जो चैलेंज है सोलर एनर्जी के लिए और जो विंड एनर्जी के लिए, तो इसका प्रॉब्लम यह है कि ये स्टोर नहीं हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी स्टोर। एक तरफ से ये जनरेट होती है, उसी टाइम उसको खपत होती है, उसी टाइम उसको यूज करना होता है। इवन एलन मस्क जो कि इस पर अभी इलेक्ट्रिक कार्स पर लगे हैं और बैटरी स्टोरेज पर भी लगे हैं, 50-100 मेगावाट से ये ज़्यादा उसमें वो बैटरी स्टोरेज नहीं कर पाते हैं। तो आज के दिन में अगर स्टोरेज का कोई भी सलूशन है पूरी दुनिया में, उसमें सिर्फ पंप स्टोरेज प्लांट्स है। उसके लिए भी आपको बहुत प्राउड होना चाहिए कि भाई कि हम पूरी इंडिया में नंबर 1 पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर में एंटिटी है जिसके पास में ऑलरेडी जो 1000 मेगावाट का पंप स्टोरेज प्लांट अभी शॉर्टली कमीशन हो रहा है। और महाराष्ट्र में मैं ही वहाँ पर उस टाइम जाता था चीफ सेक्रेटरी को फॉलोअप करने के लिए जॉनी जोसेफ साहब को, और हमारी टीम का उस टाइम भी पूरा मैनेजमेंट का सपोर्ट था, तो हमारे पास में पंप स्टोरेज का MOU वहाँ पर भी है। और जो हमारे लीडर रेवर्ड लीडर अगेन से हमारे CMD साहब ने उसको फिर एक वो एक्सेलरेशन दे दिया, और मार्शीट घाट और हुमरली 600 और 800 मेगावाट बिजली राजस्थान में जनरेट कर लेंगे, उसको ISTS इंटरस्टेट ट्रांसमिशन जो हमारे पास ट्रांसमिशन फ्री है इस टाइम, तो वो वहाँ पर हम उधर से लेकर उसको किसी भी जगह इंडिया में लेकर उधर में पंप स्टोरेज से उसको पानी को ऊपर ले सकते हैं और फिर जनरेट 24 घंटों में जब सुबह और शाम को सबसे ज़्यादा भाई पीक आती है, खपत होती है बिजली की, उसको यूज़ कर सकते हैं। सो यू कैन बी प्राउड ऑफ DSDC इंडिया लिमिटेड दैट वी आर हैविंग द बेस्ट कॉम्बिनेशन इन इंडिया ऑफ स्टोरेज ऑफ दिस LXT ऑल्सो। थैंक आई वॉन्ट से दैट कि जो अभी बहुत बड़े चैलेंजेस हैं पूरी इंडिया में हमारे पास में, क्योंकि हमारे पास में तो नो डाउट एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चर इरीगेटेड लैंड है फॉर विच वी हैव टू बी थैंकफुल टू द गॉड,
बट हमारे पास ऑयल बिल जो है वो हमारे पास $100 बिलियन है, $100 बिलियन इज अवर ऑयल बिल। और आप देख रहे हैं कि भाई जो कि हमको अभी बहुत परेशानी कर रही है कि 100 रुपये के ऊपर हमारा पेट्रोल का दाम हो गया है, डीजल का दाम भी हो गया है। मतलब अब इसके लिए आप बोलेंगे भाई कि ये यहाँ पर आपने ये क्यों बोल रहे हैं कि इसका क्या कनेक्शन है, इस सोलर पार्क है, कार्बन फुटप्रिंट है, वो पूरा उसको हमको न्यूट्रलाइज करना है, जिसके लिए हमारा 500 गीगावाट का 2030 का लक्ष्य है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उससे एक तो सोलर पार्क को 10 गीगावाट जो हम करेंगे इसको कम करने के लिए तो वो हमारा मदद करेगा ही करेगा। मगर जैसे एसीएस साहब ने, डॉक्टर सुबोध अग्रवाल साहब ने बोला कि भाई कि आप इसको, इनकी बात को हम एकदम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने टाइमली हमको जेवीसी में इसको इंक्लूड करने के लिए बोला कि इसमें ये हम विंड एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन जो अभी है, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉन्ट्स टू बी द लीडर इन द ग्रीन हाइड्रोजन स्पेस इन द वर्ल्ड, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हमको इलेक्ट्रोलाइजर जो कन्वर्शन है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हमको एक डॉलर पर लाना है, जो $5-6 पर केजी है उसको $1 पर लाना है। उसमें हमको ग्रीन हाइड्रोजन से, जो अभी नितिन गडकरी साहब भी पार्लियामेंट आ गए थे, ग्रीन हाइड्रोजन कार लेकर आ गए थे, जो लिथियम बैटरी है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, वो सोल्यूशन नहीं है लॉन्ग टर्म हमारे पास ग्रीन हाइड्रोजन ही सोल्यूशन है। और उसमें नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन मोड पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया है, उसमें वो बहुत ही इंसेंटिव्स दे, ग्रीन एनर्जी जनरेट कर लीजिए और कहीं दूसरी जगह पर ग्रीन हाइड्रोजन फिर आप ट्रांसपोर्ट कर लीजिए, आपको कोई ट्रांसमिशन चार्जेस नहीं लगेगा। तो इसमें हम ग्रीन हाइड्रोजन भी लगाएंगे, इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग भी लगाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग सोलर पैनल्स, इसमें हम विंड भी लाएंगे, इसमें हम सोलर जो प्रोजेक्ट्स भी लाएंगे, हाइब्रिड भी लाएंगे बैटरी स्टोर से। मतलब देयर आर मैमथ चैलेंजेस बिफोर अस, बट एट द सेम टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन माय कलीग्स, आई वांट टू टेल यू दैट दो आवर हैंड्स आर फुल, वी नीड टू, हमको जैसे सीएमडी साहब ने बोला, हमको कमर कसनी पड़ेगी, हमको वॉर मोड में, हमको पूरे मिशन मोड में आगे चलना पड़ेगा। आज के दिन में जो RRDC के गवर्नमेंट राजस्थान से डॉक्टर सुबोध अग्रवाल साहब जो आ गए हैं यहाँ पर ACS साहब, उन्होंने खुद देख लिया कि हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, और हमने सबसे आगे चले। तो अगर ये हमारी कार्यशैली, जो हमारा कल्चर है, उसको हम बरकरार रखेंगे और हमको 10,000 मेगावाट भी जल्द से जल्द, मैं आपको बोल रहा हूँ इसमें तीन से हमने फेज्ड मैनर में इसको कमीशन करने के लिए रखा है, 3-5 साल में ये सारा कमीशन होगा। जब ये देखेंगे कि भाई क्या हमारा कमीशन होगा, हम इतने आगे चले, तो मैं इनको रिक्वेस्ट भी करता हूँ और ये खुद ब खुद हमको और भी 10,000 मेगावाट के और भी हमको एयर मार्क कर लेंगे, क्योंकि वेस्टलैंड बहुत लाखों एक्टिवाइजेशन चाहिए, और बाकी के साथ में हमारा कंपटीशन है। हम किसी को, हम अपना को बड़ा करना चाहते हैं, हम किसी को नीचा नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई कि हमको वो वाला भी और भी एडिशनल कैपेसिटी मिले। हम तहे दिल से डॉक्टर सुबोध अग्रवाल साहब, ACS साहब का, सुनीत माथुर साहब का डायरेक्टर टेक्निकल, और मेरे छोटे कलीग जो विवेक शर्मा जी का, उनका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमको ये मौका दिया आज इसमें, और ये 10,000 मेगावाट करने के लिए। आपका सर बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत थैंक्स कि आप